उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता के गोदाम में लगी भीषण आग। थाना दक्षिण के छोटा चौराहे का है पूरा मामला। बताया कि 1.5 लाख का हुआ है नुकसान। कुछ चूड़ी दुकानदारों ने यहां मिठाई बनाने का किया था पूर्व में विरोध। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सीओ सिटी हरमोहन सिंह ने बताया आग लगने के कारण का लगाया जा रहा है पता। फैजाबाद से राजेश शर्मा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। अच्छा मनीष जी, आज आपकी दुकान में आग लगी है, क्या माना जाता है? बिजली का नुकसान लगी है सर। लगभग कितना नुकसान माना जा सकता है? 1.5 लाख रुपए का तो हो गया लगभग। अच्छा, और फिर कल मालूम पड़ेगी। कितने समय आग लगी थी आपको, सूचना कब मिली? करीब छोटे दुकानदार रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनकी 100 दुकानें हैं कम से कम, और सब लपेट में आने की उम्मीद थी। आज तो ऊपर वाले की कृपा थी, हमारे उच्च अधिकारी पुलिस वाले थे, उन्होंने विचारों के माध्यम से फायर ब्रिगेड आने में लेट हुई मगर आई जरूर। मगर अब हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से। आप सर, ये आग लगी है, किस तरह से आग लगी है और कहाँ की ये घटना है? पूरे क्या सदर बाजार के पास कारखाना और अपनी गोदाम है, उसमें आग लगी थी। आपको बोलते हुए बुझा दिया गया है, आग के कारणों की जांच। सर, कोई इसमें कोई हादसा या कोई हताहत होने की कोई खबर तो नहीं? हताहत नहीं हुआ है, सब सामान्य। थैंक यू।